हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने वेक्टर स्टार्ट कर रखा था, यानी बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स अपन लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर वेक्टर वाला चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, वेक्टर में भी अपन लोग जो दो से ज़्यादा वेक्टर है, यानी दो वेक्टर्स जो दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई अपन लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट जो है, अदिश गुणनफल जो है, मैंने वो आप लोगों को बता दिया है। अपना आज की जो क्लास है बच्चों, वो है स्केल वेक्टर प्रोडक्ट पर। ठीक है, यानी सदिश गुणनफल क्या होता है इसके बारे में अपन लोग जानेंगे। राइट, देखो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, इस ये जो चैप्टर है इसकी सीधे सीधे क्वेश्चन हैं और सीधी सीधी बातें हैं, वो आप लोगों को अभी मैं करवा रहा हूँ। इस चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को इसके और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों को इस चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स ही करवा दूंगा बस। ठीक है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, सारी कंसेप्ट मिलकर उस एक वीडियो के अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम है सुमित सैनी और अपन लोग बच्चों पढ़ रहे हैं 11th की फिजिक्स, जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज की जो अपनी क्लास है बच्चों, वो होने वाली है सदिश गुणनफल पर। किस पर होने वाली है? सदिश गुणनफल पर। सदिश गुणनफल, ठीक है, जिसको अपन लोग बच्चों इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एंड इसको बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इस पर अपनी आज की क्लास होगी। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को, जब अपने दो वेक्टर दे रखे उनके गुणनफल जब स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि दो टाइप्स के गुणनफल कर सकते हैं अपन वेक्टर के, सदिशों के, एक तो सदिश गुणनफल और एक अदिश गुणनफल। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि इसको सदिश गुणनफल क्यों बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। वेक्टर के लिए ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अगर आप लोग जनरल मैथ देखते हो तो उसके अंदर ये दोनों बातें एक ही होती हैं आपके लिए, लेकिन जब बात वेक्टर की आ जाती है तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसमें ये तो डॉट प्रोडक्ट कर रखा है और ये क्या कर रखा है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट कर रखा है। ठीक है, तो इनके मैंने बोला था आप लोगों को कि इसको डॉट प्रोडक्ट ही क्यों बोलते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है और इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है। तो देखो क्यों बोला जाता है, दो कोई वेक्टर दे रखे हैं ए क्रॉस बी, कोई दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, जिनका अपन को क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्या होगा देखो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन कैप, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों? इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन के, जहां पर जो थीटा होता है बच्चों वो क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, जहां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहां देखो थीटा क्या है? ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण है, ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण है। आपको पता है ए का मोड क्या होता है? ए का परिमाण होता है, बी का मोड बी का परिमाण होता है, ये आप लोगों को पता है। अब बात आती है ये यहाँ पर, ये जो एन केप है ये क्या लिखा है, ये क्या बला है? एन केप क्या है बच्चों? ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत, ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश। क्या है बच्चों? ए सदिश तथा बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश है, एकांक सदिश है। ठीक है, अब ये जो एन केप है ये लंबवत सदिश है, तो इसकी दिशा अपन लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी अपन को चाहिए, तो वो निकालने के लिए बच्चों अपने पास में दो रूल हैं जिनसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक तो है राइट हैंड थंब रूल और एक है राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, दो रूल कौन कौन से है? राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, आप लोग इतना नोट करो, फिर आपको बताता हूँ कि एन केप जो है उसकी दिशा कैसे निकालते हैं। फटाफट नोट करो बच्चों। कलिया नोट, देखो वापिस से सुन लो, जब ए क्रॉस बी अपन करेंगे
तो मतलब ए का मोड, बी का मोड, साइन थीटा, एन कैप चाहिए, ठीक है। यानी ए का मोड तो क्या हो जाएगा, ए का परिमाण हो जाएगा, बी का मोड बी का परिमाण, और साइन थीटा के अंदर ये जो थीटा है ये क्या है बच्चों, ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य का कोण है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पर एन कैप क्या है बच्चों, ए सदिश और बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश या एकांक सदिश है। अब ये इकाई सदिश या एकांक सदिश है, इसकी दिशा अपन लोग कैसे निकालते हैं, वो निकालने के लिए अपने पास में दो रूल हैं, वो देखते हैं अपन कौन कौन से दो रूल हैं। देखो एक तो है बच्चों राइट हैंड थंब रूल, पहला जो है वह राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, देखो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम या दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ भी बोल सकते हैं इसको, दक्षिण हस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये है, ये नियम क्या कहता है, इससे अपन लोग कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो वेक्टर अपन को मिलता है बच्चों वो क्या होता है, ए सदिश और बी सदिश के लंबवत क्या होता है, इकाई सदिश अपने पास आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आई होगी। अब अपन लोग देख रहे हैं आगे कि दक्षिण हस्त का नियम क्या कहता है। देखो दक्षिण हस्त का नियम ये कहता है कि मान लो ये दो कोई वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर कोई ए है, एक ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है। इनके बीच में एंगल बन रहा है वो ए से बी बन रहा है ऐसे, इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, यानी अपन को क्या करना है, ए से बी की ओर जाना है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है उसको इस प्रकार से करना है, ऐसे मुड़ी हुई अंगुलियां एक साथ और अंगूठा ऊपर की ओर ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, इसको करना है। अब अपन देखेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है और किधर इसकी डायरेक्शन जो है बच्चों वो आएगी, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो जैसे मान लो इस प्रकार से एक वेक्टर है ए, इस प्रकार से एक वेक्टर ए है और इस प्रकार से एक वेक्टर बी है। ये जो ग्रीन वाला है बच्चों, ये वेक्टर बी है, इस प्लेन के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये ग्रीन वाला जो है, देखो ऐसे कर रखा है मैंने, ऐसे कर रखा है कि बी वाला जो, ये बी वेक्टर है ग्रीन वाला और ये ए वेक्टर है, अपना एंगल इस प्रकार से है ऐसे, इधर जा रहा है ऐसे 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 जा रहा है ए से बी की ओर। तो अपन को क्या करना है, अपने जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो जिस दिशा में एंगल है उस दिशा में उनको मोड़ना है ऐसे, मुड़ी हुई अंगुलियों को। तो किस दिशा में है, इस दिशा में ऐसे आ रहा है, तो इस दिशा में ऐसे मोड़ दिया। तो अंगूठा जिस दिशा में होगा वो क्या होगा बच्चों, अपन को किसकी दिशा बताएगा, एन केप की दिशा बताएगा, किसकी दिशा बताएगा, एन केप की दिशा बताएगा ऐसे, ठीक है। समझ लो इस प्रकार से एंगल इस प्रकार से है बच्चों, ऐसे ब्लैक वाले मार्कर से ग्रीन वाले मार्कर की ओर ये एरो जा रहा है ऐसे, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये मुड़ी हुई अंगुलियों को अपन को जिस डायरेक्शन में एंगल जा रहा है, एंगल का जो एरो है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अपन को क्या करना है, मुड़ी हुई अंगुलियों को करना है ऐसे, कर दिया। फिर अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वो अपन को क्या बताएगा बच्चों, यूनिट वैक्टर जो है उसकी डायरेक्शन बताएगा, किसकी डायरेक्शन बताएगा, यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन बताएगा। बोलो बात समझ में आ गई, अगर ए क्रॉस बी है क्या उसमें आप लोग डायरेक्शन बता सकते हो, ऐसे कागज़ के तल के लंबवत होगी, देखो ऐसे ऐसे अपन इस मुड़ी हुई उंगुलियों को इसकी डायरेक्शन में कर दो, ये कर दिया, तो किधर होगी, कागज के तल के लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगी, क्या बच्चों ऐसे ही होगी, ये देखो ऐसे होगी ना, तो इस डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी एन केप की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये तो है बच्चों दक्षिण हस्त का नियम, कि अपन को क्या करना है, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं उनको ए तथा बी से जिस डायरेक्शन में कोण जा रहा है, ए से बी उस डायरेक्शन में करना है। तो ये जो थंब होगा अपना, जो अंगूठा होगा वो जिस डायरेक्शन में होगा वो एन केप की डायरेक्शन अपन को बताएगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। फिर दूसरा जो है बच्चों वो है राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है। स्क्रू आप लोग जानते हो, दक्षिण हस्त पेच नियम। अब ये क्या बला है ये समझो। देखो जैसे मान लो आप लोग जानते नहीं क्या, पेच नहीं जानते क्या, उसको कसते हैं अपन ऐसे पीछे से, ऐसे कसते हैं तो आगे की ओर ऐसे मुंह करता है, उस पेच की बात हो रही है। पेच को नहीं कसते क्या अपन लोग, ठीक है, इस प्रकार से
ठीक है, वो आगे की ओर ऐसे मूव, देखो यहाँ से ऐसे कसना स्टार्ट किया, वो आगे की ओर ऐसे चलता रहता है, उस वाले पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको घुमाते हैं अपन ऐसे। अब देखो अपन को क्या करना है कि जैसे मान लो इस प्रकार से वापस से समझ लो, इस प्रकार से क्या कर रखा है, इस प्रकार से अपन को वो जो है वो दे रखा है क्या, इस प्रकार से ये ए है वापस, ये बी है, इसका जो एंगल है बच्चों वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे है एंगल, इस प्रकार से एंगल इस प्रकार से है। तो अपन को क्या करना है, इस पेज को घुमाना है। इस पेज को किधर घुमाना है बच्चों, इसके डायरेक्शन में घुमाना है, ऐसे ऐसे है, तो इसको अपन ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। ये लो, जिधर से ये अंदर की ओर बंद होता है ना, वो डायरेक्शन में ऐसे आगे की ओर जाना चाहिए। अब इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ, आप लोग सर ऐसे भी तो घुमा सकते हो, ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे तो पेज खुलता है, ऊपर की ओर आएगा ऐसे खुलेगा। अपन को क्या करना है, इसको अंदर घुसाना है, पेज को अंदर जाना चाहिए। तो अंदर जाने के लिए देखो इस प्रकार से अगर मैं घुमाऊंगा ऐसे, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्या ये पेज अंदर जाएगा, तो इसलिए डायरेक्शन किधर होगी, अपन देखो एंगल की डायरेक्शन क्या है, ये वाली एंगल की डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे एंगल की डायरेक्शन है। अपन को एंगल की डायरेक्शन में पेज को घुमाना है, ये देखो एंगल की डायरेक्शन में पेज घूम रहा है, एंगल की डायरेक्शन में पेज घूम रहा है। और ये देखो बच्चों, इसकी ये जो डायरेक्शन है पेज के, वो उसकी जो नोक है, ऊपर वाली नोक होती है, ऊपर पेज की नोक होती है, उस नोक की डायरेक्शन देखो बच्चों, ये जो डायरेक्शन है ये कैसे जा रही है, ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की ओर जा रही है, क्या आपको दिख रहा है। तो इसलिए बच्चों इसमें भी अगर अपन देखते हैं दक्षिण हस्त के पेज के नियम से, तो इसकी भी डायरेक्शन जो होती है बच्चों वो कैसे होगी, ये देखो घुमा लो, यहाँ घुमा लो, देखो इस डायरेक्शन में घुमाना है ऐसे, देखो ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो पेज किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर ऐसे आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, ये जो कागज़ का जो तल है, ये जो तल है बोर्ड का, इसके लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगी, ठीक है। ये है दक्षिण हस्त का नियम और पेज का नियम। ये तो बात हुई ए क्रॉस बी के लिए, ठीक है। अब अगर अपन को बी क्रॉस ए करना हो, देखना बच्चों ध्यान से देखना, बी क्रॉस ए करना हो, बी क्रॉस ए करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अपन को बी से ए की ओर आना है, तो बी से ए की ओर आएंगे तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन अपन दक्षिण हस्त नियम से निकालते हैं। कौन से नियम से निकालते हैं, दक्षिण हस्त से नियम से। तो उसी प्रकार से मैंने ए और बी जो वेक्टर है उनको ऐसे पकड़ा है, ठीक है। अब इधर से इधर आना है, जो ग्रीन मार्कर उससे रेड मार्कर की ओर आना है, तो अंगुलियों को इधर से इधर आना है ऐसे, तो ऐसे कर लिया, ऐसे ही आना पड़ेगा अंगुलियों को, इस मार्कर से चल के ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम कैसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, तो अंगूठा किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो अब डायरेक्शन बोलो किधर है, नीचे की ओर है, और पहले डायरेक्शन किधर थी, ऊपर की ओर थी, तो क्या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे मान लो इसके अंदर ये ए क्रॉस बी आता है, ये सी वेक्टर आता है, और इसके अंदर ये जो क्या आएगा बच्चों, माइनस सी वेक्टर आ जाएगा, मतलब क्या होगा बच्चों, अपोजिट वेक्टर आएगा इसके। इसी प्रकार से आप लोग इस रूल से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से अपन एक रिजल्ट लिखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है बच्चों, वो ये है, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, वो ये है, राइट हैंड रूल और थंब रूल ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, बस एक चीज़ समझाने के लिए मैंने बताया है। देखो अपन लिख सकते हैं ए क्रॉस जो बी होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल टू होता है बच्चों बी क्रॉस ए के, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ए क्रॉस बी होगा ना वो किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, क्योंकि अभी अभी अपन ने इसकी जो दिशा निकाली थी एन केप की, वो जब ए क्रॉस बी किया था तो वो ऊपर की ओर अपर डायरेक्शन में आई थी, ऊपर की ओर आई थी, जब बी क्रॉस ए किया था तो नीचे की ओर आई थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में होने से क्या होगा, ये माइनस के बराबर हो जाएगा, माइनस का डायरेक्शन अपन ने डायरेक्शन के लिए माइनस शो कर दिया अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये भी आप लोगों को बात ध्यान में रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है बच्चों कि जो ए क्रॉस बी होता है वो आपको पता है कि क्या होता है, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन के, क्या होता है बच्चों, ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन के। अब अगर इसका मापांक निकालना चाहूँ
इस ए क्रॉस बी का अगर मैं मापांक निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा? देखो, ये जो ए का मोड है ये तो एक अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ से अपने पास एक वैल्यू आएगी। जब मोड निकालते हैं, कोई भी सदिश होता है उसका परिमाण निकालते हैं, तो वो बच्चों अपने पास में एक नॉर्मल संख्या आती है। मैंने निकाल निकाल के आप लोगों को बताए हैं। साइन थीटा होता है, वो भी एक अदिश राशि है। बात आई एन केप की, तो एन केप का भी क्या करना पड़ेगा? मोड करना पड़ेगा। आपको पता है एन केप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? एकांक सदिश होता है। तो एकांक सदिश है तो मतलब इसका मोड कितना आएगा बच्चों? वन आएगा। एकांक सदिश है तो मोड वन आएगा ना, तो यहाँ पर मोड वन रख दो इसका, तो क्या आएगा? ये ए क्रॉस बी का जो मापांक है बच्चों, वो निकल के आएगा ए का मापांक, बी का मापांक और साइन थीटा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ध्यान में रखो तो अच्छी बात है, वरना कहीं काम में आए तो आप लोग ऐसे इसको काम में भी ले सकते हो। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, ये तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बोलो ध्यान में रख लोगे क्या बच्चों? बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, ध्यान में रख लोगे क्या बच्चों? ध्यान में रख लोगे क्या? जल्दी से बोलो। नोट कर लिया? बोलो बच्चों, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? वीडियो को पॉज करते जाओ, नोट करते जाओ, बार बार में नोट करने के लिए नहीं बोलना पड़े। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अपन लोगों को करना है क्या? एक काम करना है, जो अपन लोग जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो वहाँ भी ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी, अब अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। क्या पता आप लोगों के निकट भविष्य में कहीं काम ही आ जाए। ये नेक्स्ट पॉइंट है। देखो क्या है, ये तो ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्स मान लिया, ये वाई एक्स मान लिया, ये जेड एक्स मान लिया, अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी मान लो। मैं सुविधा अनुसार एक्स वाई जेड इसलिए मानता हूँ क्योंकि बच्चों आप लोग जब टेंथ तक ग्राफ बनाते हो तो आप लोगों की भी हैबिट होती है, और मेरी भी एक तरीके से ये हैबिट हो चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं अपन लोग कि एक्स और वाई को ऐसे दिखाते हैं अपन। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्स वाई को ऐसे दिखा दिया। ये परपेंडिकुलर होती है ऐसे, ये जो लाइन है बच्चों जेड एक्स मैंने पहले ही बताई है, इस प्रकार से नहीं होती है, ऐसे होती है। एक कमरा, जिस कमरे में आप लोग बैठे हो उसके एक कोने को आप लोग देख लो, जिस कमरे में बैठे हो उसके कोने को देखो, ऊपरी ऊपर का जो छत का कोना है उसको देखो, उसमें जो कोना है उसको आप लोग ओरिजिन पॉइंट मान लो, और एक इधर जो लाइन जा रही है उसको एक्स एक्स मान लो, इधर जो लाइन जा रही है इसको वाई एक्स मान लो, और नीचे की ओर जो लाइन आ रही है उसको जेड एक्स मान लो। तो आप लोग देखो कि तीनों जो एक्सिस हैं क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? क्या तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है ना? तो इसी प्रकार से ये भी है। अब इसमें मैं इस प्रकार से ये लाइन जो है इसके बाहर क्यों निकलते हुए ऐसे नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे थोड़ा तिरछा करके दिखा दिया, क्योंकि बोर्ड तो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय होता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर अपन ऐसे 3D में नहीं दिखा सकते इसको, जानते हो ना 3D। ठीक है, फिर मैंने बताया एक्स एक्स को शो करने के लिए बच्चों आई कैप काम में लेते हैं, वाई एक्स को शो करने के लिए जे एक्स काम में लेते हैं, जे कैप काम में लेते हैं, और जेड एक्स को शो करने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए के कैप काम में लेते हैं। जब अपन ने देखो, एक बार थोड़ा सा रफली बता दूं, जब अपन ने आई डॉट आई की बात की तो वो वन आया था, जे डॉट जे भी वन आया था, के डॉट के भी वन आया था, यानी सेम सेम जो है उनको जब मल्टीप्लाई किया था तो अपनी जो वैल्यू निकल के आई थी बच्चों वो कितनी निकल के आई थी? वन निकल के आई थी। और जब इनको अपन ने अलग अलग को डॉट प्रोडक्ट किया था तो इनकी जो वैल्यू निकल के आई थी वो 0 निकल के आई थी। ये बात मैं पीछे की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, कैसे आई थी वो भी मैंने बता दिया। अब आपकी मर्जी है, आप लोग इसको हवा में याद करो या फिर ऐसे समझ के याद करो, एज यू विश। मैंने आप लोगों को पूरा समझाया था उस टाइम, तो जिस बच्चे ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले पहले वाले वीडियो देखें, तभी जो है वो ये टॉपिक है जो समझ में आएंगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक दिन मिस करते हो क्लास, दूसरे दिन देखते हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ आई। सबसे पहले तो देखो ए क्रॉस बी जो है वो क्या आता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि बार बार में आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ये लो साइन थीटा और एन के। अब बात करते हैं सबसे पहले आई क्रॉस आई की, फिर बात करेंगे जे क्रॉस जे की, फिर बात करेंगे के क्रॉस के की, जे क्रॉस जे की, फिर बात करेंगे के क्रॉस के की। ठीक है, इनकी बात अपन लोग करते हैं। अब आई क्रॉस आई, देखो क्रॉस प्रोडक्ट जब अपन करते हैं बच्चों, जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो देखो क्या होता है, जब दो वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपको पता है ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन केप आता है। यहाँ पर देखो दो वेक्टर दे रखे हैं, एक तो आई दे रखा है, एक ए वेक्टर है वो आई दे रखा है, और एक बी वेक्टर है वो भी आई दे रखा है।
इन दोनों का अपन को क्या करना है, क्रॉस करना है। क्या करना है बच्चों, क्रॉस करना है। तो ए का मोड आएगा, बी का मोड आएगा, साइन थीटा आएगा और एन केप आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ना। अब देखो ए का मोड, इसका अगर मोड निकालना चाहूँगा मैं तो वो क्या आएगा, अंडर रूट एक का स्क्वायर। आगे वाली आई जे और के है नहीं इसके अंदर, तो इसका मोड कितना आएगा बच्चों, वन आएगा। इसका मोड भी कितना आएगा, वन आएगा। तो इस प्रकार से आई का जो मोड है वो वन होता है, ये बात पहले ही मैंने बताई है। तो आई का मोड वन रखो यहाँ पर, फिर बी की जगह बी का मोड रखो वन, और साइन, अब देखो साइन थीटा कितना है, थीटा कितना है इन दोनों के बीच में। ये जो आई कैप है ये इधर है और दूसरा आई कैप भी इधर है। ये आई कैप एक इधर है, दूसरा आई कैप भी क्या है बच्चों, इधर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एंगल आया है बच्चों वो कितना आया है, जीरो डिग्री आया है। दोनों के बीच में एंगल कितना आया है, जीरो डिग्री आया है। और एन कैप मैंने ऐसा कैसा रख दिया। आप लोग जानते हो जो साइन जीरो होता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जीरो होती है। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना, जब सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो बच्चों वन आता है। वो आता कैसे है वन, वो मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, फिर बाद में ध्यान में रखना है। इस प्रकार से जो सेम सेम होते हैं उनको जब क्रॉस करते हैं तो वो जीरो आता है, और जब उनको डॉट करते हैं तो वो क्या आता है बच्चों, वन आता है। क्यों, क्योंकि ये जो सारा माजरा जो है बच्चों वो एंगल का है, उसमें कोस थीटा आता है और इसके अंदर क्या आता है, साइन थीटा आता है। और एंगल तो दोनों बार जीरो ही होता है। अब साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, कोस जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसमें अपनी कोई भी गलती नहीं है, इसमें जो गलती है बच्चों वो इस क्रॉस प्रोडक्ट की है, क्योंकि ये क्या लेके आया था यहाँ पर, साइन थीटा लेके आया था अपने साथ में। जब इसका जन्म हुआ था तो इसने अपने साथ में एक साइन थीटा को लेके आया था, और जो डॉट प्रोडक्ट था वो कोस थीटा को लेके आया था। अब कोस थीटा उसको परेशान नहीं कर रहा, साइन थीटा इसको परेशान कर रहा है। वहाँ उसको कोस थीटा भी परेशान करता है, सारे करते ही हैं। देखो अब देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, अलग अलग का क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग का क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग का क्रॉस करते हैं। आप लोग, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी और, तो क्या करो आप लोग, इतना नोट करो आप लोग, पहले इतना नोट करो, क्योंकि मेरे को थोड़ी और जगह चाहिए इसमें। लिख लूँ क्या यहाँ पर, चलो लिख लेता हूँ, बता देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I, ये क्या आएगा, वही सेम फॉर्मूला। A का मोड यानी एक का मोड एक, B का मोड B J है तो इसका मोड वन, और साइन, अब बोलो साइन I और J के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना डिग्री एंगल बन रहा है बच्चे पार्टी, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो साइन 90। अब एन केप क्या आएगा, एन केप अपन को देखना है। अब जो इसमें जो बात होगी मैन, वो एन केप की ही बात होगी कि एन केप क्या आएगा। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को अभी अभी क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, अभी अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल, दो रूल बताए थे। आप लोग राइट हैंड थंब रूल काम में ले सकते हो, अभी ले हो। देखो ये दो वैक्टर हैं, ये दोनों देखो परपेंडिकुलर हैं बच्चों, परपेंडिकुलर है इस प्रकार से, ठीक। तीसरा क्या होता है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ऐसे है परपेंडिकुलर, आप लोग मान लेना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा आप लोगों को, ऐसे परपेंडिकुलर है, एक बार मान लेना आप लोग, ठीक है। मान लोगे ना, अरे मान लोगे ना बच्चों, नहीं मानोगे, मानना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है। ये क्या है बच्चों, इस प्रकार से, अब देखो अब लगभग परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये मान लो आई कैप है और ये मान लो जे कैप है, ये दोनों क्या है, आई कैप और जे कैप है। अब अपन को क्या करना है, आई से जे जाना है, इधर जाना है, आई से जे जाना है। तो आई से जे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, देखो ये मान लो आई कैप है, ये जे कैप है, आई से जे जाना है, तो आई से जे जाएंगे तो मान लो अपन ऐसे जाएंगे, आई से जे ऐसे, ये लो इस प्रकार से अपन आई से जे गए। तो आई से जे गए तो अपने पास में क्या आया, के वेक्टर आया। क्या आया बच्चों, के वेक्टर निकल के आया, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो लंबर डायरेक्शन में होगा, ये अंगूठा लंबर डायरेक्शन को दिखाता है, तो इसमें अगर अपन ऐसे जाते हैं, देखो इस प्रकार से है, ये आई है, ये जे है, ठीक है। इसमें इधर की ओर ऐसे जाएंगे अपन, ठीक है। तो इसको ऊपर पकड़ लो, इसको ऊपर कर लो, ऐसे ऊपर कर लो, ऐसे कर लो, ये आई है, ये जे है, इसकी ओर ऐसे जाएंगे तो देखो इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, ऐसे देखो, ये आई से जे की ओर जा रहे हैं, ये लोग गए। अंगूठा किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है।
अंगूठा किस डायरेक्शन में बच्चों, जेड डायरेक्शन में है। तो इसलिए इस जेड डायरेक्शन में तो अपने पास यूनिट वेक्टर क्या आता है, जेड डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर के काम में लेते हैं, जेड डायरेक्शन के लिए तो क्या काम में लेते हैं, के काम में लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एन कैप जो निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा, के कैप निकल के आएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, के कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अब आपको इसका सीधा सा तरीका बताता हूँ करने का क्या होता है। देखो आप लोगों को ऐसे एक बनाना है आई जे के, ये इसका सीधा सा तरीका है आई जे के। ऐसे आप लोग मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, जब आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो के आएगा, जब के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो वन हो जाएगा पूरा, साइन अपर वन होता है, बाकी एन केप की बात हुई। जब जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा बच गया, तीसरा आई बच गया, तो इसमें क्या आएगा, आई आ गया। जब के को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जब के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा बच गया, तीसरा जे बच गया, वो आएगा। मतलब दो को मल्टीप्लाई करेंगे कोई तीसरा बच गया वो आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि अपन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना है। अगर अपन लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो बच्चों आपको पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। वो क्या होता है बच्चों, माइनस बी क्रॉस ए होता है, ये आपको बात पता है। तो अगर आप लोग उल्टा करोगे, यानी इसको जे क्रॉस के करो, जे क्रॉस आई करोगे, जे क्रॉस आई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा। इसको अगर के क्रॉस जे करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। इसको अगर आई क्रॉस के करोगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस का जे कैप आ जाएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आया, वही डायरेक्शन वाली बात, यहाँ पर देख लो, समझ लो आप लोग, ठीक है। तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस आता जाएगा। जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज मुड़े, जैसे जे क्रॉस आई किया तो बचा तो के ही, लेकिन वो क्या आया, माइनस का। फिर आई क्रॉस के किया तो आई क्रॉस के करने पर क्या आएगा, माइनस जे। फिर के क्रॉस जे किया तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का आई कैप आएगा, ठीक है। वो आया क्यों है, ये बात मैंने यहाँ पर बताई आप लोगों को कि ए क्रॉस बी होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, तो इसलिए बच्चों क्या है ये यहाँ पर ये आया है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई, ये इतना आप लोग वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो रे बच्चों। तो देखो बच्चों ये अपना टॉपिक था वेक्टर का, जिसके अंदर आप लोगों को आज कोई भी सवाल नहीं कराया है, ओनली जनरल जनरल बातें अपन लोग की है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए, इसलिए बच्चों न्यूमेरिकल जो है बच्चों वो मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगा, इसके जो सदिश गुणनफल है उसके पार्ट टू है बच्चों वो कल की क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा कि इसके न्यूमेरिकल अपन लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।